हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी मास्टर पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2, और इसमें जो है हम आज बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 8। इससे पहले जो है हम 7 पार्ट तक कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम जो ग्रेड 8 क्लास की एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो है सेशन में हम एनसीईआरटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से या तो आपको साइंटिस्ट का नाम आएगा, या किसी ऑर्गेनल का फंक्शन आ सकता है, या डिफरेंस बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आ सकता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड काइंडली फॉलो मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 71। The organelles which provide energy for all of the activities of a cell are chloroplast, mitochondria, Golgi body and ribosomes. सबसे पहले हमें organelles पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं? Membrane bound structure होते हैं जो कि पाए जाते हैं cell में, right? तो आपके पास options हैं chloroplast, mitochondria, Golgi body and ribosomes. तो chloroplast की बात करें, इसका नाम ही जैसे बता रहा है, chloro, chloro is related to the pigment. ये कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों में, जहाँ पे क्या होती है? Photosynthesis. So, जो chloroplast का main function क्या होता है? Photosynthesis, इसका जो है green color का, इसी के लिए जो है green color के जो leaves होते हैं। दूसरा है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तीसरा है आपके पास गॉल्गी बॉडीज, गॉल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज़ें सिंथेसाइज हुई हैं उनको बॉडी में जो है अलग अलग जगह पे पहुंचाना। चौथा है आपके पास राइबोसोम्स, तो इसका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट। तो आपके पास बचा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोवाइड करता है ऑल दी एनर्जी, ऑल दी एक्टिविटी जितनी भी होती हैं उसके लिए जो है एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस होती है, और एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ दी एनर्जी करेंसी? एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं, एडीपी बोलते हैं, एनएडी बोलते हैं। सो यू मस्ट बी थॉरो विद दिस कि जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज़ एटीपी, राइट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जितनी भी ऑर्गेन, ये माइटोकॉन्ड्रिक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी, जिससे कि जो सारे सेल की फंक्शनिंग होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ चैप्टर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 72। इन अ लिविंग सेल क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन, यू हैव द ऑप्शन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। क्रोमैटिन का संबंध कहाँ से, किसके साथ मिलता है? जेनेटिक मटीरियल के साथ, राइट। सो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यू हैव द ऑप्शन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। तो जो है क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। द सेल वॉल इन अनियन पील इज मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल इन अनियन पील, अनियन क्या है? एक प्लांट है, राइट। तो बेसिकली ये यही पूछ रहा है, सेल वॉल जो होती है प्लांट की होती है, किससे बनी होती है? यू हैव द ऑप्शन स्टार्च, जेलेटिन, सेलुलोज एंड सेल सैप। सेलुलोज जो होती है ये जो है प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है। तो सेल वॉल करेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? प्लांट्स का होता है। प्लांट्स में आपको सेल वॉल मिलेगी, देन यू विल फाइंड इन सम बैक्टीरिया, एंड तीसरा है फंजाई, ठीक है। इन तीनों में जो है फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट्स, तीनों में सेल वॉल पाई जाती है। तो ये किस लिए पाई जाती है? टू हेल्प देम टू सर्वाइव अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसे कि हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि प्लांट्स जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव कर सकते हैं, तो भगवान ने उनको क्या दिया? इनकी सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इनको, प्लांट्स को सेल वॉल दी गई है। इवन बैक्टीरिया है, कितने हाई टेम्परेचर पे भी पाया जाता है, लो टेम्परेचर में भी पाया जाता है। सो नेचर ने सबको अपना अपना प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही थी सेल वॉल इन प्लांट्स, जो अनियन पील दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज।
तो क्योंकि हमारे में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हम सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कुछ घास खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, राइट? सो दीज आर द रूमिनेंट्स। इनमें जो होते हैं सेल, जितने भी प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए जो है ये जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं ये घास को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 74। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनिज्म और टिश्यू। जब भी सिमिलर सेल्स मिलते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो सेल है जब भी मिलेंगे ये सिमिलर सेल्स होंगे, राइट? सिमिलर सेल्स होंगे और दे विल ऑल्सो परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसलिए जो हमारे डाइजेस्टिव टाइप के सेल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं उनके अलग टाइप के सेल्स होंगे, नर्वस सिस्टम के सेल अलग टाइप के होंगे, रेस्पिरेटरी सेल के सिस्टम के सेल्स जो है अलग टाइप के होंगे। तो ये ध्यान रखें जब भी सिमिलर सेल्स बनेंगे ये मिलकर टिश्यू बनेगा। टिश्यू के बाद जब है ये मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ये सीक्वेंस भी बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, सो काइंडली फॉलो मी। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे एक प्राणी बन जाता है, राइट? सो द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है? Now let's move on to the next question. This is question number 75. A long and branched animal cell is muscle cell, epithelial cell, nerve cell and cartilage cell. सबसे पहले जो सेल की जो शेप है इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। जैसा सेल का फंक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी शेप। तो ये नहीं है डेफिनेटली द नंबर ऑफ सेल्स इज़ नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये नहीं एक चींटी और एक हाथी है तो हाथी के सेल बड़े होंगे और चींटी के सेल छोटे होंगे, या चींटी में कम सेल्स होंगे या हाथी में ज़्यादा होंगे, इट इज़ नॉट लाइक दिस। लेकिन जो सेल की शेप है वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन के ऊपर। नाउ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल, सबसे पहले हम मसल सेल की बात करते हैं। जो मसल सेल्स होते हैं वो हमेशा स्पिंडल सेल्स होते हैं, साइडों से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पिंडल शेप सेल। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क, जैसे लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल पूछा, आपको स्पिंडल सेल भी पूछा जा सकता है। तो स्पिंडल सेल कहाँ पर मिलेंगे आपको, मसल सेल्स में, राइट? स्पिंडल शेप सेल, सॉरी आई एम सो सॉरी, स्पिंडल शेप सेल। एपिथीलियल सेल, एपिथीलियल सेल दे विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, आपको मिलेंगे स्किन में हो गया, राइट? ये आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। कार्टिलेज के सेल जो हैं गोल गोल होते हैं। लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल आपको कहाँ पे मिलेंगे, नर्व सेल में। सो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन है 3, राइट? दैट इज़ नर्व सेल। नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो ये लॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन होता है टू कंडक्ट द मैसेजेस, जो इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से, जैसे एक सिस्टम एक ऑर्गन से लेके टू द ब्रेन। तो जैसे जो टो में आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हेड तक मैसेज पहुँचाना, तो डेफिनेटली इस सेल की शेप जो है बड़ी होगी। और लॉन्ग एंड ब्रांच एनिमल सेल्स पे भी आपका ऑप्शन नर्व सेल होगा। तो अगर बिग अगर हम बोले जाएं तो ये भी सेल्स की एक बिगेस्ट शेप में आता है, कि जो है नर्व सेल हमारी सेल बॉडी में सबसे बड़े होते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 76। विच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन द रूट सेल ऑफ अ प्लांट। यू हैव ऑप्शन न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो रूट का जो मेन फंक्शन क्या होता है, अब्सॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर। तो इसका मेन फंक्शन अब्सॉर्प्शन है, लेकिन जो जो आपको नहीं मिलेगा रूट सेल में वो होगा क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, पिगमेंटेड पार्ट में होता है, दैट इज़ दी ग्रीन लीव। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। बट द फंक्शन ऑफ रूट सेल इज़ अब्सॉर्प्शन। सो वहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट का कोई फंक्शन नहीं है, डेफिनेटली जो है रूट का कोई फंक्शन नहीं है फोटोसिंथेसिस में।
लेकिन हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि रूट सेल में का कोई फंक्शन नहीं है, मतलब रूट सेल में हमें ये नहीं मिलेंगे ये वाले सेल क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि इनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। तो आपको स्टेम जैसे कि ऑफ कैक्टस, एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे सिर्फ स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करती है, राइट। तो जनरली जो प्लांट्स की जो है लीव्स होते हैं वो जो होते हैं फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। तो एक ऐसा प्लांट है जैसे कि कैक्टस, सो यू कैन बी आस्क क्वेश्चन कौन से जो है प्लांट में जो है स्टेम में जो है फोटोसिंथेसिस होती है। तो रूट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 77। द पार्ट ऑफ अ सेल विच प्ले रोल इन इनहेरिटेंस इज, यू हैव द ऑप्शन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, और दूसरा क्या करना है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। अब बचा हमारे पास न्यूक्लियस, सो जो न्यूक्लियस है वो प्ले करता है रोल इन द इनहेरिटेंस। फॉर क्वेश्चन नंबर 77 चॉइस नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 78। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, यू हैव द ऑप्शन रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट कॉच एंड रॉबर्ट हुक। तो बात करें रॉबर्ट बॉयल की, तो आपको एक लॉ पता होगा कि जो प्रेशर होता है दैट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाते हैं, ये बोला जाता है रॉबर्ट बॉयल के लिए, राइट। तो चार्ल्स डार्विन का नाम आपको जनरली वहाँ पर सुनाई देगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, राइट। देन यू हैव द रॉबर्ट कॉच, एंड आपको कॉच के पॉस्टुलेट्स भी मिलेंगे। तो उन्होंने ये भी, रॉबर्ट कॉच ने ये भी डिस्कवर किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरिया। फिर उन्होंने एंथ्रेक्स का भी जो है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ढूंढा था, दैट इज़ बैसिलस एंथ्रेसिस। अब बचा आपके पास रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही बताया था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट कॉल्ड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है। देखो क्वेश्चन के बीच में भी क्वेश्चन मिल गया हमें। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ कॉल्ड द सेल। तो ये किस में डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था एक जो कॉर्क होता है, राइट। सो कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। तो बार्क ऑफ ट्री में उन्होंने देखा था, दैट वाज अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो उनको कुछ इस तरीके की एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दी थी, हनीकूम स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला था, हनीकूम स्ट्रक्चर। तो ये तो उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा था, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तब जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जाके तब फिर ऑर्गेनल्स भी दिखने शुरू हो गए। लेकिन ये सेल वर्ड इतना जो है फेमस हुआ, इतना भी जो है हम कह सकते हैं कि मशहूर हुआ कि आज तक भी जो है ये सेल वर्ड को ही हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 79, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, यू हैव द ऑप्शन वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। तो किन में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, तो रेड ब्लड सेल्स में जो है न्यूक्लियस नहीं होता। वाइट ब्लड सेल जो है अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, राइट। नर्व सेल्स जो हैं नर्व्स में जो है मैसेज को कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट द इम्पल्सिस, राइट। तो मसल सेल्स जो हैं, मसल सेल्स आपको पता ही है जो हमारे बॉडी के मसल्स में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 80। द पार्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल आर, तो देखा आपने यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल आर सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गॉल्गी बॉडी। तो जो प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल्स में वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एनिमल्स को तो फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट इज देयर वेयर एवर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, और सेल वॉल भी जो है एनिमल सेल में नहीं होती है। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 80 है इसका चॉइस नंबर 2 करेक्ट आंसर बना। तो ये क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड नॉट द एनिमल।
तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर एट जो है पार्ट एट दैट इज़ गोइंग टू फिनिश। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे जो है इस जो है वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में समस्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।